कांग्रेस के नेता राजेंद्र भंडारी ने चमोली के पोखरी में आयोजित महिला सम्मान समारोह में शिरकत की। सम्मान समारोह में मौजूद महिलाओं को सम्मानित भी किया। यहां उन्होंने एक विशाल जन रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार केवल जुमलों की सरकार है, केवल जनता को गुमराह करना ही जानती है, बेरोजगारी चरम पर है। नंदा की भूमि में नंदाओं का स्वागत सम्मान तो बहुत जरूरी है। मातृशक्ति का सम्मान होगा तभी हम भूमि और आगे बढ़ेंगे। महिला सम्मान समारोह था, हमारी बहनों को, हमारी माँ बहनों को सम्मान मिले, उचित स्थान मिले और जहाँ जहाँ भी उनका सेवा हम लोग करें और उनका सम्मान हम करें। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर चंपावत के सीमांत क्षेत्र बनबसा पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सीमांत क्षेत्र में संचालित कई विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से मीटिंग के बाद महामहिम ने स्थानीय पूर्व सैनिकों और स्थानीय सीनियर नागरिकों के साथ वार्ता करके सीमांत क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं से भी वो रूबरू हुए। मेरे आने का मकसद ये था कि जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अहदेदार हैं, स्पेशली DM साहब, SP साहब, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जो CDO साहब हैं, उनसे डिटेल से ब्रीफिंग लूं ताकि इस चीज़ को मैं ज्ञात कर सकूं कि उनके विजन और मिशन क्या है और किन किन चीज़ों पर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ एज ए गवर्नर। और मैं उनके जो चैलेंजेस हैं और जो उनकी अपॉर्चुनिटी हैं उन दोनों को पहचानना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि एज ए राज्यपाल ये मेरी ड्यूटी भी है, दायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उत्तराखंड में कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से लौटे बुजुर्ग दंपति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति के दिल्ली में रहने वाले 3 परिजनों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों बुजुर्गों की जीनोम सैंपलिंग भेजी गई है, अब उसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है कि आखिर रिपोर्ट क्या आती है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार बेहद अलर्ट है। CM ने किसी भी तरह से खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। साथ ही प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए, ये अधिकारियों को निर्देशित किया है CM पुष्कर सिंह धामी ने। उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हर प्रकार से हमने तैयारी की हुई है। हम रैंडम जांच भी करवा रहे हैं और भी जो जरूरी चीजें हैं वो सब हम कर रहे हैं। अभी कोविड को लेकर हम सारे जितने भी जो भी उसके हर पहलू हैं, हर पहलुओं की ओर ध्यान देते हुए उस पर हम लोग योजना बना रहे हैं। गंगोत्री धाम से एक शिष्टमंडल दल ने भूमि बंदोबस्त के निराकरण को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। गंगोत्री धाम का भूमि बंदोबस्ती आज तक नहीं हो पाया है, जिससे गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन मंत्री ने शिष्टमंडल दल से मुलाकात के बाद भूमि बंदोबस्त के जल्द निराकरण के लिए सचिव को जरूरी निर्देश दिए हैं। गंगोत्री शिष्टमंडल दल ने तुरंत निर्देश देने के लिए मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। पंडित कृपाराम सिंहवाल जी खड़े हुए हैं और आपने पहले भी प्रार्थना दी थी कि गंगोत्री धाम के अंदर लैंड सेटलमेंट जो है किया जाए। मैंने सेक्रेटरी को निर्देशित कर दिया है और उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सिंहवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये कार्य अगर पूरा होगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा और सबको बहुत है न्याय मिलेगा। आज हमारा शिष्टमंडल माननीय उत्तराखंड सरकार कैबिनेट मंत्री महाराज सतमान महाराज जी से भेंट वार्ता हुई है और गंगोत्री के भूमि बंदोबस्त के संबंध में महाराज जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि उन्होंने सचिव साहब को भी इसका निर्देश कर दिया है कि इनकी भूमि बंदोबस्त जो है 40 साल पहले की मांग है, ये अतिशीघ्र होनी चाहिए। उत्तरकाशी में नेहरू युवा केंद्र की ओर से गंगा नदी किनारे गंगा उत्सव और आरती का आयोजन किया जा रहा है। केदार घाटी पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत मेंबर चंद पवार और नमामि गंगे के संयोजक लोकेंद्र बिष्ट ने किया, जहां नेहरू युवा केंद्र के युवाओं और जनपद मुख्यालय से आए विभिन्न विद्यालयों के छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी यहाँ पर दी और इस दौरान लोगों से माँ गंगा को स्वच्छ बनाने की अपील भी की गई।